अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल हैप्पी बोर्ड शाला। आई एम नवीन अंसारी और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है 11th। अभी तक हम हमारा 1 to 10 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो देखी होगी क्योंकि उसके अंदर एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स पूरा कंप्लीट है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर नंबर 11। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर नंबर 11, मुजाहिद आजादी बरकतुल्ला भोपाली। ये रहा चैप्टर, तो हम इसका खुलासा समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या कहा गया है। खुलासा ये है कि मुजाहिद आजादी बरकतुल्ला भोपाली मुल्क के बड़े रहनुमाओं में से एक थे। उन्होंने पूरी जिंदगी मुल्क को आजाद कराने के लिए वक्फ कर दी। वक्फ कर दी मतलब खर्च कर दी या सर्फ कर दी। जलावतनी की जिंदगी गुजारी। गैर मुमालिक, अब फिर से यहाँ पे देखिए एक वर्ड आ रहा है मुमालिक। मुमालिक किसकी जमा है? मुल्क की। तो आप ये ध्यान दिया करिए क्योंकि मैं बीच बीच में ग्रामर का ही बताती जाती हूँ, ये एग्जाम्स में आते हैं। तो मुमालिक लिखा है, मुमालिक किसकी जमा है? ये मुल्क की जमा है। मुमालिक में वो हिंदुस्तान की आजादी के लिए जद्दोजहद करते रहे। वो भोपाल में पैदा हुए, यहीं उन्होंने अरबी, फारसी और उर्दू की तालीम हासिल की। अंग्रेजी तालीम हासिल करने के लिए उन्होंने 1883 ईस्वी में भोपाल छोड़कर मुंबई चले गए। वहां 4 साल तक उन्होंने मिशन स्कूल में अंग्रेजी तालीम हासिल की। वहीं से वो इंग्लिस्तान चले गए। वो आजादी के मतवाले थे। इंग्लिस्तान या कयाम मतलब जब वो वहां ठहरे तो उसके दौरान वो लिखते और तकरीरें करते थे जो बहुत पसंद की जाती थी। कुछ अरसे तक वो लिवरपूल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर भी रहे। इंग्लैंड के कयाम के दौरान उन्होंने हिंदुस्तान की आजादी को ही अपना मकसद बनाया था। 11 साल तक इंग्लैंड में रहने के बाद वो अमेरिका चले गए। वहां 6 साल कायम किया, फिर जापान गए और टोक्यो यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर रहे। यहाँ उन्होंने एक जमात इस्लामिक फ्रेटर्निटी यानी अखवते इस्लाम कायम की। इसी नाम से एक अखबार जारी किया जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान को बरतानिया की गुलामी से आजाद कराने का पैगाम दिया। जापानी कयाम के दौरान उन्होंने जिलावतनी इनकलाबी पार्टी बनाई। बरतानिया ने जापान पर दबाव डाला कि इनकलाबियों पर पाबंदी लगाए, तो जापान छोड़कर पेरिस चले गए। वहां एक अखबार अल इनकलाब के एडिटर हो गए। उसके बाद वो अमरीका आ गए और वहां उन्होंने गदर नाम का अखबार निकाला और गदर पार्टी बनाई। इस पार्टी का मकसद हिंदुस्तान में आजादी और जमहूरियत था। अक्टूबर 1915 ईस्वी में काबिल में हिंदुस्तान की आरजी हुकूमत कायम की गई। बरकतुल्ला भोपाली इसके वजीर आजम बनाए गए। बरकतुल्ला भोपाली ने अपनी सारी जिंदगी मुल्क को आजाद कराने की जद्दोजहद में गुजारी। 1927 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में उनका इंतकाल हो गया। बरकतुल्ला भोपाली सच्चे मुहब्बिब वतन, बेबाक सहाफी और निडर इनकलाबी रहनुमा थे। उन्होंने एशिया और यूरोप के बहुत से मुल्कों की खाक छानी, मुखालिफतों का सामना करते रहे, बहुत मुसीबतें भी उठाई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। आजादी की कोशिश करते रहे। आखिर एक बहादुर सालार की तरह उन्होंने वतन से दूर रहकर वतन की खिदमत करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो इसका खुलासा था। अब हम मुश्किल अल्फाज यानी कि वर्ड्स मीनिंग कर लेते हैं। वक्फ मतलब जैसे कि बताया था सर्फ कर देना या कुर्बान कर देना। रहनुमा लीडर, रास्ता दिखाने वाला। जमहूरी अवामी, जिलावतनी मुल्क से बाहर निकाल देना। जद्दोजहद कोशिश, अखवत भाईचारा। मारूजी सवाल दिए गए अल्फाज से खाली जगह पूर कीजिए। फर्स्ट बरकतुल्ला भोपाली आजादी के तर्जुमान अखबारुल इनकलाब के एडिटर थे। सेकंड है आजादी वतन को उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था।
बरकतुल्लाह भोपाली को अपने वतन हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत थी। वहां 4 साल तक उन्होंने मिशन स्कूल में तालीम हासिल की। अभी दिए गए अल्फाज से जुमले बनाने, कुर्बानी, कुर्बानी सीखे जुमला बनेगा। हिंदुस्तान की आजादी के लिए लाखों उलमा ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। सेकंड है ईसार। ईसार मतलब हमारे दिल में भी वतन के ईसार व कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए। फिर है आजादी। बरकतुल्लाह भोपाली ने आजादी के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। और थे पैगाम। बरकतुल्लाह भोपाली जिंदगी भर आजादी का पैगाम देते रहे। अभी सवालात। फर्स्ट है, बरकतुल्लाह भोपाली कौन थे, वो कहाँ पैदा हुए। बरकतुल्लाह भोपाली सच्चे वतन परस्त मजाहिद आजादी और इनकलाबी रहनुमा थे, वो भोपाल में पैदा हुए। सेकंड है, बरकतुल्लाह भोपाली ने आला तालीम कहाँ हासिल की। बरकतुल्लाह भोपाली ने मुंबई और लंदन में आला तालीम हासिल की। थर्ड है, पहली आर्जी हुकूमत का वजीर आजम कौन था। बरकतुल्लाह भोपाली हिंदुस्तान की पहली आर्जी हुकूमत के वजीर आजम थे। फोर्थ है, जापान में बरकतुल्लाह भोपाली ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए क्या किया। जापान में बरकतुल्लाह भोपाली ने वतन जिला वतन इनकलाबियों के साथ मिलकर एक इनकलाबी पार्टी की बुनियाद रखी, एक जमात इस्लामिक फ्रेटर्निटी बनाई और इसी नाम से ई अखबार निकालकर हिंदुस्तान को बरतानिया की गुलामी से आजाद कराने का पैगाम दिया। सवाल नंबर 5 है, बरकतुल्लाह भोपाली की वफात कब और कहां हुई। बरकतुल्लाह भोपाली की वफात सितंबर 1927 ईस्वी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई, वहीं उनको दफना दिया गया। मदर पार्टी का मकसद क्या था। मदर पार्टी का मकसद बरतानियावी हुकूमत का तख्ता उलटकर हिंदुस्तान में जमहूरी हुकूमत कायम करना था। अब इसके बाद एक ग्रामर, जो ग्रामर का जैसे बता चुके हैं, ग्रामर कबाइद, कबाइद इंग्लिश में क्या होती है, ग्रामर, ठीक है। तो अब इसमें अल्फाज दो तरह के होते हैं, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद ऐसे अल्फाज जिन का पूरा मतलब जाहिर होता है, जैसे कि पानी, आग, हवा। अब मुरक्कब दो लफ्जों से मिलकर बनने वाले अल्फाज को मुरक्कब कहते हैं, जैसे गुलाब और जामुन। तो ये दो वर्ड मिलकर क्या बना, गुलाब जामुन। खूब, अब इसके अंदर मुरक्कब में ये खूब है, वो मतलब बहुत ज्यादा और सूरत मतलब चेहरा। तो जब इन दो को ऐड करा तो क्या बन गया, खूबसूरत मतलब बहुत अच्छा चेहरा। इसी तरह खुश और नुमा, इन दोनों को ऐड कर दिया। दिल फरेब, दिल अलग है और फरेब अलग है। तो दिल फरेब मतलब क्या हो गया, दिल को लुभाने वाला। अगर हम इनको ऐड कर देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा दिल फरेब मतलब दिल को लुभाने वाला। तो ये आया समझ में, मुरक्कब यानी कि जब दो लफ्जों से मिलकर कोई लफ्ज बनता है या अल्फाज बनता है तो वो हमारा मुरक्कब कहलाता है। मुफरद मतलब अलग, पानी, आग, हवा, ये अलग है। फिर अमली काम तो ये देख लीजिएगा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका पीडीएफ दे दिया है, तो आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर लिखने में टाइम लग रहा है तो प्रिंट आउट से आप इसको लर्न कर सकते हैं, और अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।